एक बार देखते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज है, 9% तक का आप इसमें डाउनसाइड भी देख रहे हैं। पावर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से सीआरसी को डायरेक्ट किया गया है और मार्केट कपलिंग की बात की जा रही है, जिससे क्या हुआ कि आईईएक्स की जो डिपेंडेंस है, उसका मोट फैक्टर है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देख भी रहे हैं 8-8.5% का यहाँ पर डाउनसाइड है। क्या ये आज शॉर्ट साइड है आईईएक्स? क्या इसमें और फर्दर प्रेशर बन सकता है रिकवरी ट्रेड के लिए? क्या नागराज इसमें कोई ट्रेड सोचना चाहिए या फर्दर आप डाउनसाइड ही देख रहे हैं इसमें? क्या करना चाहिए आईएक्स पे? मेरे ख्याल से और भी वीक एक्सपेक्टेड है, और जो भी आज रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक बड़ा डिक्लाइन आया है, एक टिपिकल पहले भी वैसा ही हुआ था। एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक टिपिकल पैटर्न दिख सकते हैं हम लोग इस चार्ट में। चार्टिकली मुझे लगता है कि और भी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस रहेगा, 130 तक एक सपोर्ट बन तक सकता है इमीडिएट इमीडिएट बेसिस पे। बताए पर पूरी खबर एक बार शरद से समझते हैं। शरद बताएं, कैसे इसको एक्सचेंज को इंपैक्ट कैसे हो सकता है, किस तरह की इसकी डिपेंडेंस कम हो सकती है, क्या पॉलिसी आ सकती है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आया दिन के ट्रेड में अब देखें भारी गिरावट भी देखने मिली है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है डायरेक्ट किया सीआरसी को, जहाँ पे वो स्टार्ट कर सकते अपनी कंसल्टेशन की प्रोसेस, जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट कपलिंग। और याद रखिए जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच है, अब एक दूसरे एंटिटी को मूव ऑन कर सकता है पॉसो को। इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में कहें तो, इस मूव के कारण क्या होगा, जितने भी एक्सचेंजेस है पावर एक्सचेंजेस, वो सिर्फ बिडिंग के लिए ही यूज हो पाएंगे, प्राइस डिस्कवरी के लिए नहीं। अब प्राइस डिस्कवरी का अगर यूज नहीं होंगे, इसका मतलब एक सुपर एक्सचेंज बनने वाला है। और यहाँ पे जो है हमारी बातचीत हो रही इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से, तो वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड कोई बड़ी सुपर एक्सचेंज आ सकती है। तो इसके कारण क्या होगा, जो मोट बनाया था इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का, या जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज था इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का, वो इम्पैक्ट हुआ है। और इसके कारण जो है स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। हाल ही में कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जरूर है, एक ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड थी कि दालमिया ग्रुप जो है जहाँ पे उनका स्टेक है कंपनी में, वो ब्लॉक डील के जरिए बेचना चाहते थे, लेकिन वो भी जो है डिस्काउंट लेवल्स पे देखने मिल सकती है। और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं, मार्केट शेयर लॉस हुआ है, और जो एचपीएक्स एक्सचेंज है वहाँ से भी जो है कंपनी के जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी देखने मिल रही है। तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स देखने मिले इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में, और आज भी जो है एक नेगेटिव फैक्टर आया है। ओके ठीक है, तो ये आईएक्स के अंदर जो गिरावट है उसकी वजह आपको शरद बताते हुए दिख रहे हैं। शरद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जल्दी से